नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? या दूसरा प्रश्न आ जाता है, कैप्टन के चरित्र की विशेषताएं बताइए। चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और ना ही वो देश की फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कह के बुलाते थे। इसका कारण यह था कि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में पूरा योगदान देता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी, लेकिन मूर्तिकार जो है उस पर चश्मा लगाना भूल गया था। कैप्टन ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसके मन में देश के नेताओं के प्रति आदर और सम्मान था, इसलिए वह उस मूर्ति पर प्रतिदिन एक चश्मा लगा देता। जब तक वह जीवित रहा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखता था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहेब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। हालदार साहेब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तीसरा प्रश्न है, हालदार साहेब इतनी बात पर भावुक क्यों उठे थे? तो हालदार साहेब मायूस हो गए थे क्यों? क्योंकि चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के वो नहीं देख सकते थे। जब से कैप्टन मरा था, कैप्टन मर गया था, तो किसी ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब वो चौराहे से गुजर रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था। हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो ना चाहते हुए भी उनकी नजर मूर्ति पर चली गई। देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहेब को यह उम्मीद ही हुई कि आज के बच्चे कल के देश के निर्माण में सहायक होंगे। भावुक क्यों उठे वो? चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ का सरकंडे का चश्मा देखकर वो भावुक हो गए। पहले उन्हें लगा कि कोई अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला नहीं रहा, तो अब उन्हें मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखेगा, इसलिए उनका मन भावुक हो गया। उन्होंने नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उक्त कथन में यह आशय है कि लेखक बार बार यही सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो सब कुछ न्योछार करने वालों पर हंसते हैं। जो लोग देश के लिए अपना घर, परिवार, जवानी सब प्राण न्योछावर कर देते हैं, उन पर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग इतनी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं कि उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। पान वाले का प्रश्न है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले की दुकान नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी और वह हंसता था तो उसकी तोंद ऊपर नीचे
उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। उसकी आदत बन गई थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने बताता था। वह मन का अच्छा था, इसलिए कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनाते समय उसकी आंखों में उदासी के भाव प्रकट हो गए थे। प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वालों के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था, तो उन्होंने सोचा कि वो नेताजी का कोई साथी होगा। परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाने लगा और कहा कि वह तो लंगड़ा है, लंगड़ा व्यक्ति फौज में कैसे जा सकता है? पान वाले के द्वारा कैप्टन को यह हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगा, जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा कर दिया था। उसके मन में नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें देश की किसी की हंसी उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, उससे उसकी देश के प्रति कर्तव्य भावना कम नहीं होती थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी।